लपट लपटाना छोड़
ताला। कृपाल तार नाल को करो दात, नाम तेरा जपी दिन रात, नाम तेरा जपी दिन रात। देख जिन्नी हार हार जाया जीवत, देख जिन्नी हार हार जाया साध संग दिल दर्शन पाया। जीवत देख जीवत, जीवत देख जीवत पे जिन्नी हर हर ध्याया, साध संग दर्शन बादशाह शब पारी मरना। बादशाह शब पारी मरना जो तिसे सुकाले है करना। साहब संग दिन दर्शन पाया, साहब संग दिन दर्शन पाया। जीवत भेक जिनी हर हर ध्याया, जीवत भेक जिनी हर हर ध्याया। Thank you.
ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜੀਵ ਤੇਕ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਜੀਵਤ ਤੇਕ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦਿਨ ਪਰਿਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਸੰਗ ਦਿਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜੀਵਤ ਦੇਖ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਜੀਵਤ ਦੇਖ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਜੀ ਕੋ
ਜਿੱਤ ਉਜਿਆ ਨਾਲ ਕਾ ਸੋਹੀ ਫਿਰ ਹੂ ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਕੱਚ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੋਲਾ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਰੱਤਾ ਸੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਾ ਰਹੇ ਕਾ ਜੀ ਜਮ ਸਖ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀ ਪਾਵੇ ਕਹਿਣ ਧਿਆਨ ਸੁਣ ਸੇਵਕ ਅਗੰਗੁਚ ਸਹਿਬ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਲਾਵੇ ਅਜ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾ ਆਓ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵੀ ਜੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਸਤਿਸਥਾਨੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁਆਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਜੋੜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਜੈਨ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ। ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਰੋਡ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਨ ਗਈਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚੇ ਹੋਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਅੰਤ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਕਰਨ। ਆਓ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਲਾ ਪਾਸੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹ
वाहे गुरु गुरु Yeah.
Yeah.
किछ नाही जब नहीं आवे मेरे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे तेरे से
Oh,
तिल का जन्म जन्म मरण दुख दासा दुख मिलो संतन के संग मोहे उदार लिहो मोहे उदार लिहो मिलो संतन के संग
मोहे उदार ले हो करना मैं प्रभु
समर्थ अकथ अपार निर्मल समर्थ अकथ अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो
गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज जिन्हां दी असी हर साल की तरह इस साल भी तुसी उन्हां दी याद कर रहे हो, इसे करके याद किया जाता कि उन्हां दे जिहड़े गुण सन, उन्हां दी जिहड़ी चंगाइयां सन, वह साढ़े समाज के अंदर, वो साढ़े बच्चों के प्रवेश हो जाए। और अकाली जी का इतिहास दुनिया जानती है, दुनिया के कोने कोने के अंदर दुनिया को पता है। जो उन्होंने इतिहास, जो उन्होंने तुक तत्करा, जो उन्होंने मेहनत सिख पंथ के कोल, सिख पंथ की झोली च जो सानू उन्होंने दिता है, असं कीर्तनीय सिंह हाँ। जिस वेले भी कित शब्द की असं प्रचोल करते हैं, तुक तत्को असं मिनटा भी शब्द कढ़ लें, यह उन्होंने मेहनत है, यह उन्होंने एक देन है। और समाज के अंदर भी उन्होंने ही याद मनाई जाती है, जेडे कुछ समाज में कुछ दे के गए हैं, जिन्हों की कुछ देन आती है। जड़ा कुछ देख ना जाए उसनों सिर्फ परिवार ही याद करता है, बाकी नहीं याद करते। जड़ा कुछ देख के जाता उन्हों पंथ याद करता है, उन्हों सिख समाज याद करता है, रहती दुनिया तक याद करता है कि यह इन्हां दे पंथ नूं देन है। आम व्यक्ति जड़ा विचरता अपने परिवार वास्ते करता है, अपने परिवार की देन है, परिवार याद करता है, वह परिवार से लग्या होता है, दिन ते रात मेहनत करता है, दिन ते रात दौड़ता है, वह परिवार लई दौड़ता है। ते जिहड़ा धार्मिक व्यक्ति है, जिहड़ा समाज लई दौड़ता है, जिहड़ा समाज लई करके जाता, उहनूं समाज कदी भुल्लण नहीं दिंदा, समाज हमेशा उहनूं याद रखता है, परिवार बन जाता है। पिछले भी कई सालों तो दस इतने हाजरी भरता है, और इतों दिया पतवंते सज्जन, इतों दिया समुचिया संतां हुम हुम आके वेखते हैं। कई थावां ते प्रोग्राम कैंसल हो रहे हैं, मैनू भी कई बार कई टैलीफोन आए ने कि भाई, मैं क्या भाई ये प्रोग्राम जिहड़ा सालाना बनता है ये कैंसल नहीं होता, परिवार का कैंसल हो सकता है, पंथ का नहीं कैंसल होता। इस करके गुरु की साध संगत जीओ, गुरु साहब कृपा करते हैं, गुरु साहब बख्शिश करते हैं, यहो जे किसी व्यक्ति को मिलके यहो जा कोई पंथ दर्दी हो जरूर उसको मिलना चाहिए, मिलते भी हैं कि उसके कोल कोई ज्ञान की गल मिले, जरूर उसके कोल असीं संपर्क करते हैं। इस करके सानू जतन करना चाहिए, असीं समाज के अंदर विचरते हैं, इतिहास को जरूर पढ़िए, इतिहास को जरूर सुनीए। जिहड़े प्रबंधक सज्जन इतना उपराला करते हैं, इतना उपराला करके अगर वो एक संतां की बरसी मनाते हैं, अकाली जी की बरसी मनाते हैं, तो साडा फर्ज बनता कि असी उसका इतिहास पढ़िए, असी उन्होंने कोलो एक बुक लैके पढ़िए, असी उन्होंने किताब पढ़िए, अकाली जी का पिछोकड़ इतिहास पढ़िए। साढ़े तरह एक व्यक्ति हो के उन्होंने कितनी मेहनत की, किन्ना कुछ समाज में दे के गए ने। इस करके गुरु की सत्संग जीओ, जरूर उस पासे ध्यान देना चाहिए, एहो जिहा कुते भी कोई बचन हो, गुरु का बचन हो, सानू पल्ले बन लेना चाहिए। समाज अंदर किसी गुरसिख का कोई बचन हो, एहो जे परोपकारी बड़े घट लोग आते हैं, बड़े घट लोग आते हैं, तो आप आओ इसी तरह जिस तरह से शब्दों नाल जुड़े हैं, जिन्नी देर उन्होंने संत जी ने आना है, जो हुक्म होया सी, आओ इसी तरह एक शब्द होर नाल जुड़न दा जतन करांगे, गुरु साहिब कृपा करनगे। भज मन मेरे कोना,
ਪਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਪਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਣਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੇ ਕਾਮ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੇ ਕਾਮ ਪਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਣਾ ਪਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਣਾ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੇ ਕਾਮ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੇ ਕਾਮ ਪਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗੁਣਾ ਪਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗੁਣਾ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਜਾਏ ਬਲਾਏ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਵਸੈ ਮਨਿਆ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਜਾਏ ਬਲਾਏ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਵਸੈ ਮਨਿਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੇ ਕਾਮ ਪਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗੁਣਾ ਪਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗੁਣਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੇ ਕਾਮ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੇ ਕਾਮ ਪਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੇ ਕਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੈ ਪਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਣਾ ਪਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਣਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੇ ਕਾਮ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੇ ਕਾਮ ਪਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਪਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਣਾ ਛੋਟ ਮਹਾਪਦਾਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਛੋਟੀ ਉਪਾਵੇ ਟੇਕਰਾ ਮਹਾਪਦਾਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੇ ਕਾਮ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੇ ਕਾਮ ਪਜ ਮਨ ਮੇ ਪਜ ਮਨ
जी तेरे के आवे
रैन दिन सुकुन गाओ अनंत गुरपूरे का निर्मल मंता छोड़ पावे एक टेक महापदारत अमृत रस चा विकम विकम सागर तेरी ते जन तरे बिकम सागर तेई जन तरे नानक जाको नदर करे पज मन मेरे एको ना जी तेरे कै गुरका बचन बसें जीना गुरका बचन बसें जीना ले जी तेरे कह आवे गां गुरका बचन बसें जीना ले जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे पाए न सके जले गुर का बचन बसे जीना ले गुर का बचन बसे जीना ले पज मन मेरे एको ना पज मन मेरे एको ना जी तेरे के आवे का जी तेरे के आवे का पज मन मे सतगुरु पातशाह जी कह रहे ने आवाज देते ने कह लगे ऐ मना हर किसी व्यक्ति नु अपने मन नु ये गल कहनी चाहिए है अपने मन नु संबोधन करना चाहिए है जिवें सतगुरु पातशाह ने किया है अज दा जिज्ञासु अज दा व्यक्ति दूसरे नु संबोधन करता है अपने अंदर झात नहीं मारता हर एक व्यक्ति नूं अपने मन नूं इह गल कहनी चाहीदी है अपने मन नूं संबोधन करे आवाज देवे कि भज मन मेरे एको नाम है मेरे मना तू उस वाहिगुरु का एक नाम का भजन बंदगी कर ला है उसकी इबादत कर ला है ये तैनूं भजन बंदगी किते काम आन वाली है ये सतनाम श्री वाहिगुरु तैनूं काम आवेगा ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੇ ਕਾਮ ਬੜਾ ਸਾਫ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੈ
तस्कर नहीं ले रहे भाए न सक जाले। ये गुरु का बचन है जिहड़ा जलदा भी नहीं कोई खो के लै भी नहीं जाता डुबदा भी नहीं ते जिहड़ा बचन नहीं डुबदा वह डुबन भी नहीं दिंदा। इस करके जतन करना चाहिए जितनी बंदगी होवे जितनी इबादत होवे जितना सिमरन होवे जितनी संगत कर सकते हैं उतनी थोड़ी। इस करके हर साल इस करके हर वेले ये कीर्तन किया जाता है ये याद मनाई जाती है ये समागम किया जाता कि ये आन के असं कुछ ना कुछ लाभ लै जाइए। इस करके मैं पतवंत सजना का बहुत बहुत ऋणी हाँ जिन्होंने संगत का दर्शन करने का समा दिता मौका दिता समा दे के निवाजा है। आओ अगला प्रोग्राम बड़े प्यार सत्कार सरवण करो दियो आसीस रसना पवित्र करो गज बज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी ने भाई साहब भाई हरप्रीत सिंह जी चौहला पासों गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है जो बड़े ही मन करके संतान कीर्तन सरवण कुराज असं दिली धनवादी हाँ जो साड़ी बेनती मन के इतने पहुँचते हैं अगे भी इसी तरह इन्होंने सू सहयोग दिता है। अरदास करांगे सच्चे पातशाह होर हिम्मत तस्मत बख्शे ताकि इसी तरह पंथ की सेवा करते रहन। और साढ़े पास सिंह साहब भाई मनजीत सिंह जी प्रोफेसर मनजीत सिंह जी सबका जहदार श्री अकाल तख्त साहब केसगढ़ साहब पहुँचे हैं कोई टाइम ही थोड़ी तब्दीली हुई है। सो सब तो पहला असं जी आया करा जयकारे राय आप जी ने जी आया आखना है। सो संगत प्रति फिर बेनती है कि जो बार के पिछले खड़िया हैं संगत हाल ही पहुँच जान ताकि आप जी अकाली जी के जीवन बारे उन्होंने पासों विचार सरवण कर सकीए। आओ पहले जयकारे राही उन्होंने जी आया आखते हाँ बोले प्रोफेसर साहब बेनती करांगे उस स्टेज पर आ जाने घंटे का टाइम है जिन्ना समा ठीक समझन संत अंदर आ जाने सारिया ही। सो उन्होंने पासों आओ अकाली जी पंथ रतन सिंह साहब अकाली कौर सिंह जी जिन्हों की 69वीं बरसी असं अज मना रहे हाँ हर साल तरह इसी तरह आप जी ने सहयोग देना है जिन्होंने समाज ने बड़िया घाटना की हैं। सो आओ उन्होंने पासों उन्होंने वचन सबन करिए प्रोफेसर साहब जी वाहेगुरु जी का खालसा।